व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फिर से आ गए हैं मेरी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। मुझे पता है बहुत ज़्यादा समय हो गया है, पर जो भी हो, यहाँ पे कोई और भी मरा हुआ है। एक्चुअली अभी जैसी ओके जब मैं आया था तो नाइट हो रखी थी, तो मैंने सो के डे कर लिया है, इसलिए अब वीडियो शूट किया मैंने। वहाँ पर ट्रेडर लामा है, ट्रेडर कहाँ है, यहाँ है क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आपको भी लग रहा है कि पेड़ पहले नहीं थे यहाँ पे? जो भी है, आजकल अगर मैंने इन्हें आज माइन नहीं किया तो कल तो मेरे घर पे आपको पता ही है 100,300 खड़े होंगे, ये 100,300 वो खड़े होंगे, क्या कहते हैं उन्हें, मॉब्स खड़े होंगे। खैर, सबसे पहले मैं सबसे अच्छी चीज बनाऊंगा, एक वॉल जो कि मेरे पूरे बेस को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि मुझे ना ये लग रहा है कि जो भी आता है ना मेरे बेस में वो बस एक जगह से आता है, बाहर की तरफ से, कोई भी मेरे बेस पे ऐसे नॉर्मल स्पॉन नहीं होता है, तो उसके लिए मैं आज वॉल बनाऊंगा। बस एक दिक्कत है उसमें, मेरे पास कुछ सामान भी नहीं है वॉल का, शायद से वही तो चेक कर रहा हूँ मैं अभी। ओह, बहुत सारा है ये तो। अब आप लोग सोच रहे कि हैं वॉल बना रहे हो तुम, इसमें इसका क्या काम, तो अभी आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत कम नहीं पड़ेंगे स्टोन मतलब कोल्स। वाओ, इसके अंदर तो फ्यूल भी नहीं था। चलो फिर अपनी माइनिंग के हिस्से में और ढूंढते हैं। चलो, मेरे ख्याल से कोल एक मेरे चेस्ट में रखा हुआ था ना। हाँ, तो देखते हैं चल के ऊपर कि कोल था मेरे पास। शायद मैंने अपनी चेस्ट खोल के नहीं देखी थी ये वाली, इसमें 11 है, चलो ले ही लेता हूँ। अब है तो ना, वैसा तो ना, मैं बनाऊँगा, पूछ के जाऊँगा। और बस कुछ ज़्यादा ही गोल है नॉर्मल जो मैं जितने सोच रहा था, इसमें भी काफ़ी गोल है। तो पूरा 64 रख। मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए इसके, मुझे नहीं पता था मेरे पास इतना सारा कोल है सच में। पर अब मेरे पास एक स्टेक और है, मैं उसको क्या करूँ, मैं कोल्स फालतू में नहीं कर रहा। मैं कुछ तो सर्च कर रहा था, मैं क्या कर रहा था सर्च, अरे यार मैं कुछ तो कर रहा था, क्या था वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या था। हाँ, स्टोन से। ओ नहीं, बस, बहुत ज़्यादा स्मेल्टिंग हो गई है, बस रुक जाओ। मुझे सच में नहीं पता था कि हम लोग वैसे स्मेल्टिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब स्मेल करने के बाद कुछ नहीं बना सकते हैं स्टोन से। मैं आज पागल हो जाऊंगा। रुको, इस स्टोन से बस ये और ये स्लैब्स बन सकती हैं, कोई भी वॉल नहीं बन सकती, तो वॉल चाहिए ना मुझे, तो मेनली मुझे मेनली तो वॉल ही चाहिए, कि उसके बिना मैं वॉल कैसे बनाऊंगा, वॉल ही तो चाहिए होगी। वॉल मैं ब्लॉक्स की वॉल नहीं बना रहा, मैं उससे तो बहुत जल्द, आपने शायद से एक वीडियो देखी होगी, आई सर्वाइव्ड इन ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स, उसमें उन लोगों ने आयरन बार यूज़ किया था, आपको पता हो तो शायद। पर मैं एक वॉल बना रहा हूँ, पर मैंने सोचा थोड़ा बहुत उनसे आइडिया ले लूँ अपने बेस के लिए, नहीं वॉल्स के लिए, क्योंकि मैं वॉल्स बना ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा
वॉल्स एक बार मैंने वो देख लिया ना कल, उसके बाद मैंने सोचा वॉल्स के बिना तो कोई भी ऐसे एंटर किए जा रहे हैं सारे ज़ॉम्बीज़। उसके बाद मैंने वॉल्स बनानी शुरू कर दी। आज से मेरा बेस बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक्स्ट्रा ही बनानी। नहीं बनाई मैंने एक्स्ट्रा, एक स्टेप कोई भी खुद के आ सकता है अभी भी तो। तो फिर मैं 3 का बना लेता हूँ। गेट पे बन गया है, बस इसमें एक बीच में डोर लगना है। मुझे पता है इक्वल नहीं होगा, पर ऐसे मैं जानबूझ के इक्वल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक साइड से बस मुझे एक्सेस रखना है पीछे पॉन्ड का, दोनों साइड से नहीं रखना ना। दोनों साइड से तो बहुत सारे आ जाएंगे ज़ॉम्बीज़। और क्या सोचे थे आप लोग? आप लोग क्या सोच रहे थे ज़ॉम्बीज़ के अलावा? कोई भी वॉल के ऊपर से जा सकता है अगर वो एक ब्लॉक पूछी हो? नहीं तो मुझे एक ब्लॉक भी काफी रहेगा। तो कोई प्लेयर आ गया तो वो 1 सेकंड में पहुंच जाएगा मेरे बेस पे। अरे यार इससे बढ़िया मुझे लग रहा है ना मुझे पार्को मेन्यू बनाना चाहिए था। और नहीं विलेजर्स भी आ सकते हैं मेरे बेस में कभी भी। कोई बात नहीं, विलेजर कौन सा मुझे हार्म करेंगे। इसकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ। वो क्या है, मैंने अपने गेम में स्पीच वाला ऑन कर रखा है। रिस्पॉन पॉइंट सेट। रियल लाइफ में तो मैं सोने जाता हूँ 1-1:12 बजे तक रात में। और देख रहे हो यहाँ पे कितने बजे पहुँच जा रहा हूँ सोने, रात होती ही पहुँच जाता हूँ यहाँ तो मैं सोने। मुझे लगा आयरन गोलम वहाँ पे कैसे पहुँचा और उसे तो मैंने मार भी दिया था। नहीं मैं सच में यही सोच रहा था। अब 1 सेकंड उस वाले का तो है ही नहीं। तो फिर मैं ऐसे कितना भी लंबा तो नहीं बना सकता। बस मैं एक जॉइंट से दूसरी जॉइंट तक का रास्ता बना देता हूँ। ये बस पहले ही 12 वाला का लगा देता हूँ। मुझे लगता है कम पड़ जाएंगी। मुझे स्टोन माइनिंग पे जाना पड़ेगा या फिर मैं अपनी दूसरी चेस्ट में भी तो खोज सकता हूँ। तो मुझे ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की आदत नहीं है ना, फिर सब चीज़ें 1-1 सेकंड में मिल जाती हैं वीडियोस के वक्त। मैं सोच रहा हूँ कि वाली वीडियो ख़त्म होने के बाद ना मैं इस वर्ल्ड में 2 मिनट आधे घंटे के लिए क्रिएटिव में आऊँगा। अब मैं पूछो क्या करूँगा मैं? क्या करोगे? मैं ना बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, मैं बहुत सारे काम करने वाला हूँ। फिर ठीक है मैं वाटर बॉडी के अंदर रहूँगा तो मैं यहाँ से कूद ही सकता ना, ना कोई आ पाएगा बाहर से ब्लॉक लगाए बिना। अब ब्लॉक लगाएगा नहीं कोई भी, मुझे इतना तो पक्का है क्योंकि इस वर्ल्ड में मैं मेरे अलावा कोई और होता ही नहीं है। मैंने दोस्त मतलब मैं अपने ब्रदर के साथ खेलना चाह रहा था, पर मैं सोच रहा हूँ क्यों खेलूँगा मैं उनके साथ।
उन्होंने अब खेलना छोड़ दिया और वैसे भी अब बड़ी क्लास में है वो, तो अब वो बहुत ज्यादा बड़ी क्लास में तो वो खेल भी नहीं सकता। अब यहाँ की बात है, हाँ मुझे पता है बहुत कम ऊंचा है इसलिए तो कर रहा हूँ यहाँ का काम। ये इस वाली साइड का हो गया और ये कम पढ़ने वाले हैं, 12 ही बच्चे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से उधर का एक ब्लॉक छूट जाएगा। सारे हो गए, वाह। और ये अब ऊंचा भी है 2 ब्लॉक का, जिससे बस कोई टांग के भी नहीं आ सकता। हाँ इधर का 1 ब्लॉक का है पर तब भी कोई नहीं आ सकता, पर मैं तब भी थोड़ा सा फियरफुल बंदा बन जाता। पर अब यहाँ पे कोई ऐसी, और इसकी तो क्योंकि जो मेरे पास क्या है, हम लोग पॉलिश वाले भी बना सकते हैं और पॉलिश पिक बाबू। नहीं नहीं पिक बाबू, मैं गलती से मार दिया था आपको। नहीं मैं सच में उसे गलती से मार रहा था, बस डोर्स परे होंगे एक्स्ट्रा, मैंने गलती से जब मैंने अपने घर के लिए बनाया था तब एक्स्ट्रा बना दिए थे। एक दो तो पड़े होंगे, चलो तुम जाओ यहाँ पे, तुम जाओ। मैंने कहा था मेरे पास कॉबलस्टोन पड़े होंगे, नॉर्मल यहाँ पे भी पड़े हुए हैं ना। फिल्टन स्टील लेके क्यों घूमता हूँ हमेशा, मुझे याद सा नहीं आ रहा। ये इससे पहले ये भी चली जाए बाहर, उससे पहले मैं अपना गेट ढूंढ लूंगा। नहीं ढूंढ पाया मैं सच में। अरे मुझे लगता है मुझे ये बनाना ही पड़ेगा। नहीं और ना मेरे पास स्वीट वीट है कुछ, चलो सीड्स निकालूं सरा। और ना मेरे बेस के अंदर की ना, मुझे बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा। मैं घर के नीचे गड्ढा क्यों है, एक्चुअली जमीन के नीचे क्यों है, घर के नीचे नहीं है मेरी, जमीन के नीचे। करिए इस आरपा वाली चीज को ना, 2 फायदे हैं। ओ मैं रात के वक्त इस डोर को लगा दिया करूंगा, दिन के वक्त हटा दिया को, दिन के वक्त पूरे वक्त खोल के रखा करूंगा, ये बढ़िया है। इस वाले को तो तब भी पूरे वक्त ही बंद करके रखूंगा, ये मेरा घर है। अब मुझे क्या करना है, चलो ऊपर का फ्लोर देख के आता हूँ, मुझे याद भी नहीं है मैंने ऊपर क्या रखा था। चलो नीचे के फ्लोर पर फिर से चलते हैं। क्या आप लोगों ने किसी ने भी मेरी पहली मूवी देखी थी, राइट? तो सो मैं कहाँ था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शीप रुको,
शीप, मेरी प्यारी सी शीप, उसे आने दोगी और तुम बाहर भी मत जाना, ठीक है? हाँ मुझे पता है, बहुत ज्यादा गैप है, कोई छोटा सा ऐसा कोई भी नहीं आ सकता ना, इतना कम गैप है। क्या मैं क्रॉल करके जा सकता हूँ बाहर? नहीं, अगर मैं स्पिगी के लिए यहाँ से एक बार बस एक तोड़ दूँ, क्या ये आएगा? ये तेरी जिंदगी का सवाल है, आ जा, तेरी प्यारी सी बकरी भी तेरे साथ के लिए बाहर खड़ी है। ये किसने खोला और कब खोला? यार बहुत बुरा था डॉग, मतलब पिग, किसी ने नहीं सुना मैंने डॉग बोला था, ठीक है? किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, ठीक है ना? और सुना भी था तो भूल जाओ। और मुझे बस दो तीन चीजें और करनी है जो कि बहुत जरूरी होंगी। यार सनी गायब हो गया। हाँ ये चीटिंग हुई मुझे पता है, पर मुझे टाइम नहीं पता था, और अगर ज्यादा टाइम हो जाता तो मैं घर पे पहुंच नहीं पाता और मैं मर जाता। उससे बढ़िया मैंने इसलिए मैंने चीट सॉन्ग रखी है। ऐसे क्या पूछ रहे हो? मैं चीट इसलिए ऑन कर रखी है। देख फार्मर वाले, जब तेरा बहुत हो गया, तेरी क्रॉप्स रुकती है नहीं कभी भी। ओ, हमेशा इसकी क्रॉप्स उग जाती हैं इस बंदे की, ये हमेशा उखाड़ देता है और फिर किसी और कोई और क्रॉप्स लगा देता है। अबे हटना बाबू, चलो यहाँ पर रुक कर गया। अब पाकी तू कर ले, बस इधर की वाली और बड़ी वाली और से। और रुक भाई रुक, तू मत लगाइयो, मैं लगा दूंगा। मुझे बस पानी चाहिए अपने घर के लिए, जो कि मैं अपने घर से ही ले लूंगा। बस मुझे थोड़ा बहुत आयरन भी लेना पड़ेगा उसके साथ साथ। चलो मुझे ही लग रहा है ये मेरा हाथ ज्यादा जल्दी तोड़ रहा है शवल से। ओ मैं शवल से तोड़ रहा था, मुझे लगा मैं हो से तोड़ना, इससे तो हो से जल्दी टूटता है ये, मैं तो भूल गया था। अरे क्या चाहिए तुझे बकरी, कौन सी बला आ गई तेरे ऊपर आज? इस बकरी को भी कोई बला आ गई है क्या? इस बकरी के ऊपर कोई रानी जो भी है, या तो ये मुझे फॉलो कर दिया या फिर मेरा वहम हो रहा है। एक साथ ही अरे दूसरी वाली बकरी कहाँ गई? अच्छा इतना बड़ा भी तो एक करेगा। चल अच्छा, मैंने वीट तब से पकड़ा हुआ है, मैंने तो अब देखा वीट भी पकड़ा हुआ है मैंने। अरे बकरी कहाँ गई मेरी? दो थी ना मेरे पास बकरियाँ, है मेरे पास एक काउ भी थी कभी, ये कहाँ से टपकी है? तो खुद से स्पॉन हो गई, छोड़ो।
मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, सच में नहीं पता मुझे। आप बस मुझे एक बकेट बनानी है, बकेट बकेट बकेट। मुझे बस एक हो बनानी है, हो। आप लोगों ने पोकेमॉन तो देखा ही होगा, वरना फिर आप मेरी पोकेमॉन वाली वीडियोस देखते हैं क्यों, पर वो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करना उस पर, मैं उसके लिए आपके लिए और बनाऊंगा फिर। सॉरी मदर नेचर, ये लोग तो बस बाहर जाने का रास्ता ढूंढ, मैंने गलती से वो क्या खोल दिया, ये तो वहां पे घूमने ही शुरू कर दिया है। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक बार बस एक बार हो मतलब हो तू बन जाए। मैंने बस एक हो बनाई और बस एक मतलब मैंने एक हो बनाई, कर सकता था ना। और देखो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से उग भी जाता है। है ना, सही रहता है ये जगह तो, पानी भी मिल जाता है ना रोज। मैं पोटैटो भी लेके आता हूँ अपनी, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा वहाँ तक पूरा जाने का। मेरे पास पोटैटोस नहीं थे ना, ये लो सब लग गया। बकरी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, मैंने तुम लोग को यहाँ पे फंसा दिया, तुम लोग इतनी आसानी से आ भी गए। ये तो बहुत फनी था ना, मैंने बस ऐसे थोड़ा सा क्या हिला दी इनके सामने अपना एक छोटी सी प्यारी सी चीज, ये तो उसके लिए इतने ज्यादा पागल हो गए थे थोड़े से बीट के लिए कि वो मेरे साथ मेरे घर पे आ गए, जिस जहाँ पे इनको बस अब तरसना पड़ेगा हर रोज। काओ यहाँ पे है तो मेरी शीप किधर है, कोई भी यहाँ से ऐसे करके चढ़ सकता है, चढ़ नहीं सकता, ये तो पूरा रास्ता ही खुला हुआ है। एक दिन में शीप कहाँ, नहीं 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 मेरी शीप किधर है, शीप शीप, शीप।
जगह रहे हैं जो जिनको मैं पाल रहा हूँ, मतलब शीप और पहले वाली शीप दोनों भी यहाँ ही होंगी। चलो अभी भी चलो। मैं तो डर गया था पूरा कि मेरी दो शीप्स को मैंने एक दिन में खो दिया विद अ काउ। घर वहाँ पे वो शीप नहीं थी और मैंने अपना घर का दरवाज़ा खुला हुआ था मेरा पहले से। ये मत कहना वो यहाँ पे कि ये जगह तो बहुत और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पे तो एटलीस्ट कुछ था भी नहीं, मॉब्स वॉब्स, और यहाँ तो मॉब्स की भीड़ लगती है, स्पेशली क्रीपर। नीचे और रात भी हो गई, अभी क्यों है रात? अभी तो जस्ट मैंने सोचा था कि मैं अब क्या करने जा रहा था, मैं अब और ज़्यादा एनिमल्स को ला रहा था अंदर। और क्या लगता है मैंने इतना बड़ा पैन क्यों बन किया? हाँ मैंने आपको को भी पता है मैंने इसलिए करा था, मैं अपनी प्रोटेक्शन कर पाऊँ, एनिमल्स भी तो अपने अंदर रखना चाहता हूँ मैं, देना एनिमल्स के मजा ही क्या है एक जगह पे अकेले खुद से पड़े रहना। ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता। ताजा ताजा सब ईट है, किसको खाना है? तेरा भैया आप क्या दे रहे हो? वो क्या है ना टेढ़ा भैया, आपके जो कल मैंने दोस्त के साथ किया था वही करने आया हूँ आज, सबसे बकवास टेढ़ा वाला। कल तो उसका भैया जो आया था लास्ट टाइम, एटलीस्ट वो अच्छा था, उसकी टेढ़ मैंने आपको दिखाई थी। हाँ वैसे मैंने उससे भी अपने भाई के पास ही भेज दिया जहाँ पे उसका भाई रहता है, इसे अपने भाई का पता नहीं पता था लगता है, इसलिए मैंने उसे भेज। यार उसने मुझसे पूछा था कि मेरा भाई कहाँ रहता है, मैंने उसे जगह ही तो बताइए कहाँ रहता है, ऐसे क्यों गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर? ये मुझे ही लग रहा है सच में थोड़ा सा अजीब घर है। अच्छा ये वार है, ये वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो विलेज की जहाँ तक है आधे घर तो लूट रख के होंगे, अब तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी अच्छी खासी लूट मिलती है, मिलेगी मुझे क्या? किसी को भी पता है कि काउज या फिर शीप्स कहाँ होती हैं? ये था मेरे घर का हिस्सा, अब चलते हैं उधर के घर। एक कॉ आ जाओ बस। अरे कॉ तुम क्यों आ गई नीचे? आओ बड़ी अजीब बात है, इतने इस पूरे हिस्से में बस एक थी। एक कॉ चढ़ कैसे रही हूँ?
आओ चलो। मुझे लगता है ना इन काउस को कुछ ज्यादा ही परेशानी है मुझसे। एक आती ही नहीं है, एक आ जाती है तो दूसरी चली जाती है, तीसरी आती है तो चौथी चली जाती है। ये लो, हर तरफ से कॉर्नर कर लिया है मुझे। अरे तीनों काउस अंदर अंदर, कितनी ज्यादा बेवकूफ होती हैं ये काउस इसमें गेम में। वैसे रियल लाइफ में तो नहीं है, उस गेम में कुछ ज्यादा एक बेवकूफ दिखाई है और मुझे डरावनी भी लगती है अब तो। ये कभी कभार ऐसा लग रहा था 2 सेकंड के लिए तो कि अभी तो ये मेरा मर्डर ही करके रखी रहेगी। अच्छा अच्छा, तेरे लिए नहीं है काउस भैया, ये तो मैं बस उसे ऊपर लाने के लिए दिखा रहा था। वेरी गुड, सही हो रहे हो। मैं ना बोल मीन नहीं करना चाह रहा, आप सोचोगे तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्लो होता है तो तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो। मैं वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फिर वो एक टाइप से ना ऐसा होता है कि आपने उसके लिए वेट ही नहीं किया, बहुत जल्दी उगा लिया, अब मज़ा भी नहीं आता उगाने वाला। तो मेरे पास और कोई एनिमल दिख ही नहीं रहा मुझे तू, जो कि वीट खाता हो। वीट, कैरेट वाले नहीं, कैरेट वाले तो पता नहीं आज ज़्यादा ही दिख रहे हैं मुझे। एक वीट वाला दिख जाए तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से ना मुझे फिशिंग रॉड बनानी चाहिए, फिर एक कैट को पाल लूंगा। और अगर कैट को पालू भी ना दो तो भी मजा आता है फिशिंग करने में। अब थोड़ा बहुत मुझे अब पता चला, वैसे मेरे पास उसकी सारी ये भी थी। आधा रख देता हूँ, आधा भी अपने पास रखता हूँ क्योंकि मुझे भी स्ट्रिंग ढूंढनी है। अरे फेंकनी नहीं थी भगवान। और क्या चाहिए मुझे, फ्लिंट हो गया, मतलब ये हो गया, और स्ट्रिंग चाहिए होगी, पर मेरे पास स्ट्रिंग है नहीं। चीटिंग नंबर टू, नाइट सेट द टाइम टू 517,000। मेरे घर के अंदर ही स्पॉन हो जाएंगे इतने सारे, इतना ज्यादा अंधेरा होता तो है यहाँ पे। कोई स्पॉन नहीं हुआ। चीटिंग नंबर 4 करने का मन कर रहा है। और अगर आपको और उससे मेरा मतलब है क्रिएटिव में जाके निकाल लूँ, क्योंकि मुझे एक दूर दूर से स्पाइडर मिल जाती है। वैसे तो यहाँ पर खड़ी होती हैं स्पाइडर हर रोज, और आज जब चाहिए तो दिखनी नहीं है एक भी। पहली बार देख लेता हूँ क्या। हाँ मुझे पता है मैं इस वीडियो में थोड़ी बहुत चीटिंग कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है ना कि विदाउट एनी रीजन कर रहा हूँ। और मेरा लक बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। अब मैं कह रहा हूँ एक क्रीपर भी दिख जाएगा 2 सेकंड में आके, बोलेगा हाय रुद्र, मुझे तुम्हें आज मारने का बहुत मन कर रहा था, तो क्या मैं तुम्हें मार लूँ। वो ऐसे पूछता नहीं है, वो बोलता है सीधा डायरेक्ट, मैं तुम्हें खाने नहीं तुम्हें मारने आया हूँ, थोड़ा सा तो शर्म कर लो। या तो ये लोग मुझे जान पूछ के नहीं मार रहे, या फिर मैं इनके लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ। 1 हिट हो गई क्योंकि वो मुझे लक ऑफ द सी चाहिए। मैं आपको थोड़ी देर की फिशिंग के बाद मिलता हूँ।
कुक के अकेले करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था ये फिशिंग। बाकी सब काम में मुझे बहुत मज़ा आता है पर फिशिंग में नहीं। चलो देखता हूँ। आई विश बस आज 6 फिश पकड़ूंगा मैं। मुझे एक तो माइनक्राफ्ट का लॉजिक समझ में नहीं आता। इस पूल में आपको एक फिश दिख रही है? नहीं, और जहाँ पे फिश होती है वो वाली फिश नहीं आएगी। हर चीज आ जाएगी पर असली फिश नहीं है। फिशिंग में क्या मजा तो नहीं आता पर हम लोग थ्रेड लगाते हैं और स्ट्रॉ ये लगाते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्टिक्स। तो फिर ये हुक कहाँ से आते हैं इनका? क्या हमें फिशिंग से एक्सपीरियंस भी मिलता है? फिशो फिशो आ जाओ, और यहाँ पे ना खाना मिलता है बहुत टेस्टी वाला। 1000 कीड़े हैं इसके अंदर। कीड़े ऐसे वैसे कीड़े नहीं, सोने वाले कीड़े। अरे कुछ तो हुआ जिसकी वजह से ये अपने आप जमीन के अंदर चली गई। ये क्या हो क्या रहा है? अरे 1000 कीड़े ले लो, 1000 कीड़े। कोई और फिश आ गई क्या? तो मुझे एक चीज आज तक पता नहीं चली कि मैंडिंग वाली चीजों को सही कैसे करते हैं। चार फिश हो गई, 2 फिश और। और फिर मुझे बहुत एक दो बोन्स वो भी बनानी है ऐसे पूरा कंप्लीट करने के लिए वापस। अभी भी 4 फिश ही हैं। पता नहीं मुझे कुछ और भी मिला जा रहा है यहाँ से, मैंने देखा नहीं क्या मिला। देख लूँगा बाद में क्या मिला। मैंने उसे पहुँचने से पहले हटा दिया, मुझे वो पहुँच गई थी। अगर मैंने अभी ब्लिंक किया तो मैं कह रहा हूँ सच में आ जाएगी। क्या मिली भी मुझे फिश नहीं मिल रही है क्या आज? मिल गई। पांच फिश हो गई, 1 फिश बची है। कुछ नहीं मिला। इस बार पहली बार बहुत पास चलूंगा मैं जाऊँ पीछे, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि कुछ आ रहा है या नहीं। हाँ तो देख ही नहीं पाया कुछ आया और एकदम से खींच गया। तो मैं ये वाली फिश फिर से डालता हूँ, मैंने गलती से हटा दिया था। और आपको अब पार्ट 2 मिलेंगे एक ही दिन के, आज के। ठीक है, मैंने गलती से शायद से मैंने रिकॉर्डिंग कर दी बंद थी और अब नई रिकॉर्डिंग शुरू की है। मैं ऐसे या तो फिक्स कर दूंगा थोड़ा बहुत सा वो लगा के अपने एडिटिंग ऐप से करके थोड़ा बहुत, या फिर कुछ करना पड़ेगा मुझे। और शायद से तो फिर अब ऊपर चलता हूँ मैं। अब मेरी स्ट्रिंग्स भी खत्म हो गई यार। मैं एक बार घर के पीछे भी तो जाके देख सकता हूँ। क्या पता यहाँ पे पीछे बहुत सारी मकड़ियाँ हो। अच्छा अभी डे टाइम हो रहा है ना।
वाह कितना बढ़िया ड्राउन था ना, मैं उसके बिल्कुल साइड से निकला, आपने भी देखा था। अब ऐसा मत बोलना रुद, तुमने कुछ चीटिंग की, आपके साइड आपके सामने गया था मैं उसके साइड से, और उस बंदे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। और मेरे ख्याल से मैंने एक स्केलेटन को कभी तो एक हंट किया था मैंने, जिसकी वजह से मेरे पास एक वो तो पड़ी होगी, एक आध वो जिसकी हेल्थ आधी या फिर थोड़ी सी होगी, मैं उसकी हेल्थ ले लेता हूँ। और आज की रात में अपने घर के अंदर रहूँगा, जिससे कि मेरे पास वो आप है, तो तब के लिए मैं अपनी चेस्ट में भी ढूंढ लेता हूँ एक आध वो, जहाँ तक ओके वेल ये आ गया, यहाँ तो नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। हाँ मेरी अभी तक दो चेस्ट ही भरी हैं, तो यहाँ पे ही देख लेता हूँ कैसे ना कर सकते। कोई तो ट्रिक होगा ना स्प्रिंग बनाने का, अब ये तो चीटिंग हुई, हम लोग स्ट्रिंग ही नहीं बना सकते हैं। ठीक है मैं ऊपर चलता हूँ, इधर आता हूँ और यहाँ से चेक करता हूँ कि एक आध तो स्पाइडर हो गई। चलता हूँ माइनिंग नहीं करनी तो बस स्किप क्यों कर रहा हूँ ऐसे, दैट इज टू फार अवे, तो मेरे पास बैड भी है ना पहले से, तब मेरे पास बैड नहीं तब मैंने ऐसे किया था बहुत बस स्किप, पर अब मैं ऐसे स्किप नहीं करूँगा। ऐसे तो बस एक ही चीज़ होती, मेरी रेपुटेशन खराब हो। हमेशा अपने एक पेपर से अगर आप लड़ो तो अपने घर से दूर लड़ो, वरना फिर वो आपका बहुत बुरा वाला हाल करता है। ये मैं आपको एक शिक्षा देता हूँ। और एक और बात, अभी भी मेरे पास एक कम है, एक से दो कम है मेरे पास। इतना ज़्यादा चलती हैं एक काउज और वो कि उन्होंने मेरी एक तोड़ भी दिया। ओ स्ट्रिंग वाली स्पाइडर्स यहाँ आ जाओ आ जाओ। यार माइनक्राफ्ट में ना ऐसे बिल्ड्स होने चाहिए जिनके अंदर मॉब्स, कोई कोई मॉब्स भरे होते हैं, शायद से मैं उसे ढूंढने चला जाता ऐसे बिल्ड।
ऐसा नहीं है, मुझे भी नहीं चाहिए। चलो फिर देखूं अब एक और स्क्रीन कहाँ मिलेगी। जब ये लगा कि मुझे शायद से एक स्पाइडर से तीन स्प्रिंग मिली तो थी, जी अदर नहीं नहीं मिली थी। अब और स्पाइडर कहाँ ढूंढूं? जहाँ मैं ढूंढ सकता था वो ढूंढ, वहाँ ढूंढ लिया मैंने। जब भी आप एक क्रीपर से लड़े तो मेरी सलाह को फॉलो करिए। या तो उससे पानी में लड़िए, या तो उससे अपने घर से दूर लड़िए, क्योंकि अगर वो गलती से ब्लो अप हो गया आपके घर के पास तो आपको अपना घर पूरा बनाना पड़ेगा फिर से। कृपया कर मैं फिर से दोहराता हूँ, अपना घर जब भी मतलब आप जब भी एक क्रीपर से लड़ो तब अपने घर से दूर रहना, वरना वो आपके घर को बोलेगा टाटा सी यू लेटर और आपका घर बोलेगा आपको नहीं, और वो आपका घर ब्लो अप कर देगा पूरा। जो मैंने एक स्पाइडर देखा यहाँ पे, क्या हुआ यार? हाँ क्या मेरा गेम क्या ग्लिच हो गया? एक स्किन तो भाग गया मुझे देखते। किसी को भी दिख रहा है एक छोटी सी प्यारी सी गकिया सी नन्ही सी स्पाइडर? मुझे लगा उसके बाद हम मिलती मिलेगी ही नहीं। कहाँ से लाऊं एक और स्पाइडर? देखो ये एक सर्वाइवल जर्नी है, इसलिए मैं क्रिएटिव में नहीं जा रहा स्पॉन करने। ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली समन। हे तुम लोगों को चलने से ज़्यादा खुशी क्यों मिलती है चलने से? ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली समन। देखो हमारी इस जर्नी के लिए ये बात नहीं हुई थी कि मैं कुछ भी नहीं यूज करूंगा, मैंने बहुत कुछ यूज किया है ठीक है। ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली समन। स्लैश समन। ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली समन। आ दोनों आ जाओ। ब्रिंग इट ऑन। चार हो गए और उस बच्चे को ढूंढ के लाता हूँ। फिर रात में परेशान करेगा यार वरना। हाँ इसलिए कहते हैं रुद्र से कभी पंगा ना लेने का, ना फिर रुद्र तुम्हारा जीना हराम कर देगा। और फाइनली अब मैं एक बो बना रहा हूँ। चली जाएंगे हाँ मेरे पास एरोज हैं बट मेरे पास मरने का टाइम नहीं है। एक सेकेंड मैंने एम लिया तो फिर यहाँ पे अचीवमेंट क्यों नहीं आ रही है?
अचीवमेंट्स की नहीं आ रही है फिर? से खुद को डैमेज दे सकते हैं पर इतना ज्यादा नहीं दे सकते। ये बहुत अच्छी है, तो मुझे इसे हील कैसे करते हैं मुझे ये नहीं पता। इसके लिए भी बहुत सारा सामान चाहिए। चलो बाद के लिए बचा के रखता हूँ, क्या पता कोई समय आए जब मुझे इसकी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए सारा सामान जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए उन सबको यहाँ लाइन से रख देता हूँ, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे। पर नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले इसके अंदर सारा का सारा सामान ढंग से ऑर्गेनाइज करके तो नहीं रख रहा, पर रख के ही जाऊंगा। रुको 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 रुको। सो यो गाइस, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आई वांट यू टू वॉच माय वीडियोस अगेन एंड अगेन। Watch my Skype Rock movie, and its second movie will be released by a month or a year after. I will see you guys in our next video. Bye bye, ta-da.